लेक्चर नंबर 42 वेव ऑप्टिक्स में थर्ड लेक्चर. लास्ट टाइम में तुमने हाइगेन प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद फिर इंटरफेरेंस के बारे में सीखा कि इंटरफेरेंस वो फिनोमेना है जिसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. एनर्जी जो है डार्क फ्रिंजेस से निकलकर ब्राइट फ्रिंजेस में चले जाती है. इंटरफेरेंस वो फिनोमेना है जिसकी वजह से सोप ओवर में कलर नजर आते हैं. थिन फिल्म्स ऑयल के ऊपर जो होती हैं, ऑयल की थिन फिल्म्स वाटर के ऊपर, उसमें कलर्स नजर आते हैं, या थिन फिल्म्स में कलर नजर आते हैं, मोर के पंखों में कलर नजर आते हैं. तो इंटरफेरेंस को हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे और उसके लिए हमने कोहेरेंसी की कंडीशन को पढ़ना शुरू किया था कि इंटरफेरेंस होने के लिए जरूरत इस बात की सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट. फिर हमने सीखा कि दो अगर इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जो टाइम कोहेरेंस टाइम है 10^-10 सेकंड वो इतना कम है कि कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि दोनों बल्ब या दोनों कैंडल्स में सेम बिना टाइम लैग के इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट करे, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो और लाइट एमिट हो. तो टाइम लैग आएगा तो पार्ट डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से कोहेरेंसी अचीव नहीं हो पाएगी. फिर हमको सीखना था, या लेजर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि लेजर जो है स्टिमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड होती है. तो जहां तक तुमने लिखा स्टामा करके लिखो, उसके आगे टू इंडिपेंडेंट लेजर्स आर कोहेरेंट. टू इंडिपेंडेंट लेजर्स आर कोहेरेंट because these are based on stimulated emission, because these are based on stimulated emission. Have patience. लिख दिया तुमने? हम जानते हैं कि यंग के टाइम में, या माइकलसन के टाइम में, या न्यूटन के टाइम में, फ्रेजनल के टाइम में, लॉयड के टाइम में लेजर अवेलेबल नहीं थी. तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की. तो दो मेन मेथड हैं जिनसे हम कोहेरेंट सोर्सेस बनाते हैं सेम पेरेंट सोर्स से. तो नेक्स्ट स्टडी मेथड्स ऑफ obtaining coherent sources, methods of obtaining coherent sources. कम कर दो जो तेज चल रहा है. First division of wavefront. पहला तरीका है wavefront को हम divide कर देते. Division of wavefront. इसमें dash लगा के लिखोगे. In this narrow source is required. अगर हम wavefront को divide करना चाहते हैं तो हमें चाहिए होता है narrow source. तुमने पढ़ा भी होगा YDSE की condition में जो है वो आता है narrow source. Slit कैसी चाहिए? Narrow. सकड़ी. In this narrow source is required and it is used in kin kisne isko use kiya? Young ne use kiya. YDSE comma Fresnel biprism Lloyd's mirror इन तीनों एक्सपेरिमेंट में वेवफ्रंट को डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्सेस बनाए गए. अब ये होते क्या है ये तो हम पढ़ने ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको. लॉयड्स मिरर में मिरर यूज करता है. फ्रेजनल्स बायप्रिज्म नाम से पता चल रहा है तुम्हें बाय यानी दो. गुजराती में देखो बे बाई
तो दो प्रिज्म को हम जोड़ते हैं, स्मॉल एंगल प्रिज्म होते हैं, जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं कनाडा बालसम, कनाडा बालसम इज ट्रांसपेरेंट ग्लू, तो उसे जोड़ते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म को, तो एक सोर्स से दो वर्चुअल सोर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, दूसरा मेथड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड डैश इन इट वाइड सोर्स इज रिक्वायर्ड, चौड़ा वाइड WIDE इन इट वाइड सोर्स इज रिक्वायर्ड एंड इट वॉज यूज बाय या यूज्ड इन, इट वॉज यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, ये प्रैक्टिकल तुम करोगे डार्क रूम में, एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें फ्रिंजेस दिखाई देंगे रिंग के फॉर्म में, सर्कुलर फ्रिंजेस, न्यूटन्स रिंग्स एंड माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, माइकल लिखो पहले फिर सन, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। तो क्या किया गया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, एक पार्शियली सिल्वर्ड मिरर लिया गया, पार्शियली सिल्वर्ड कहीं पर पॉलिश है कहीं पर नहीं है, जब लाइट आकर टकराएगी तो कुछ रिफ्लेक्ट होगी कुछ ट्रांसमिट होगी, फिर नीचे एक और मिरर लगाया गया वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई और ट्रांसमिट होकर जो निकल गई वो नीचे वाले ने रिफ्लेक्ट की, ये दोनों लाइट को साथ में ले आए, इनमें इंटरफेरेंस करा दिया, एक फिक्स पाथ डिफरेंस रहेगा, पेरेंट सोर्स सेम है, जो पाथ का डिफरेंस आएगा उसकी वजह से कुछ फेज डिफरेंस आएगा और वो कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो इसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा, दो कोहेरेंट सोर्स मिल गए। तो ये दो मेथड है जिनका तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ये जो डिटेल लिखाई है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखाई है, बोर्ड में नहीं पूछते। इससे आगे चलते हैं, हमें इंटरफेरेंस को डिटेल में पढ़ना है, उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। सो हेडिंग इज एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर इंटरफेरेंस। ये ठीक वैसे ही है, 11th क्लास में याद करो तुमने बीट्स के लिए ग्राफिकल ट्रीटमेंट किया था, एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था, स्टेशनरी वेव्स के लिए ग्राफिकल ट्रीटमेंट किया था, एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं, ये ऑलरेडी तुमने 11th में एक बार डिराइव किया हुआ है साउंड के, साउंड के इंटरफेरेंस के। तो कौन सा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हम, I resultant equal to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos phi। इसके लिए तुम एक बात समझ लो कि NCERT में इसका डेरिवेशन 12th में नहीं है, 11th में है, 12th में जो डिराइव किया है उन्होंने इसका स्पेशल केस डिराइव किया है, जब I1 equal to I2 equal to I0 है। ऐसा कब होगा, जैसे YTSE में दो स्लिट है, स्लिट की कुछ विड्थ होगी, स्लिट की विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी, I proportional W। तो अगर दोनों स्लिट की विड्थ सेम है तो दोनों से निकलने वाली इंटेंसिटी भी सेम होगी, माना कि वो I0 है। तो अगर सेम इंटेंसिटी है तो NCERT में चार स्टेप में डिराइव किया हुआ है, पेज नंबर 360 शायद, और वो रिजल्ट आएगा जिससे तुम फैमिलियर हो, 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। एग्जाम में अगर आता है तो दो नंबर में ये वाला डेरिवेशन आएगा। फिर भी हम ये दूसरा फॉर्मूला क्यों डिराइव कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें इंटेंसिटी डिफरेंट है, सेम नहीं है, स्लिट की विड्थ डिफरेंट होगी तो इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, एक है आई वन एक है आई टू, तो हमें ये वाला फॉर्मूला चाहिए और उससे भी इसको स्पेशल केस बना के तुम डिराइव कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। तो अगर कोई दो वेव्स हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, तो लैंग्वेज लिखते हैं, लिखो कंसीडरिंग टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेंड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, ऑब्टेंड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, उनको हमने ऑब्टेन किया कोहेरेंट सोर्सेस। देखो इंटरफेरेंस होने के लिए पहली शर्त तो है कि कोहेरेंट पहले से होने चाहिए, जिससे कि कुछ कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो,
फिर दूसरा जब ये मिल रहे हैं अगर ये सेम पार्ट ट्रैवल करके मिल रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कोहेरेंसी बनी रहेगी अगर ये डिफरेंट पार्ट ट्रैवल करके मिल रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इनके बीच में फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस आएगा अगर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो पाथ में डिफरेंस आएगा तो फेज में डिफरेंस आएगा तब सिचुएशन बनेगी कभी तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे कभी डिस्ट्रक्टिवली करेंगे तो दो जगह ये डिफरेंस आ सकता है अगर पहले से कोहेरेंट नहीं है तो भी फेज में डिफरेंस पाथ में डिफरेंस आएगा अगर वो फेज में डिफरेंस पाथ में डिफरेंस बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज में क्या होता है जैसे दो ट्यूबलाइट है दोनों आइडेंटिकल है इनसे जो लाइट आ रही है यहां पर मैं देख रहा हूं मुझे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नजर नहीं आ रही ऑर्डिनरी लाइट सोर्स इनमें कोहेरेंसी नहीं है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी होगी आई वन प्लस आई टू पर इंटरफेरेंस के केस में चेंज हो जाएगी इस फॉर्मुले के अकॉर्डिंग वो हमें सीखना है तो जहां तक तुमने लिखा है क्या लिखा है इंटरफेयर नहीं लिखा है कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज या ऑब्टेन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली इन ए मीडियम सुपरपोजेस ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली इन ए मीडियम सुपरपोजेस स्टार्टिंग की थी कंसिडरिंग फुल स्टॉप लेट displacements produced by the two waves displacements produced by the two waves are given as dash y1 equal to a1 sin omega t and y2 equal to a2 sin omega t plus phi wave तो plane progressive है पर wave जिस particle से होकर गुजरेगी particle SHM करेगा अपनी जगह SHM की equation ये होगी दोनों की frequency same है omega omega amplitude अलग अलग है a1 and a2 तो intensities different होगी I proportional a square और ये phase difference है दोनों के बीच में जो कि constant हो सकता है या फिर zero हो सकता है तो हमें रिजल्टेंट निकालना है देन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y इक्वल टू y1 प्लस y2 वैल्यू रख देंगे a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5 तुमने 11th क्लास में पढ़ा दो SHM को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा SHM आएगा तो रिजल्टेंट हमें SHM वाले फॉर्मेट में चाहिए इसके लिए एक छोटी सी मैथमेटिकल ट्रिक लगती है तो मैथमेटिकल ट्रिक रिवाइज करते हैं जो तुमने 11th क्लास में सीखी थी सबसे पहले मैं इसको ओपन कर दूंगा sin a plus b के फॉर्मूले से तो मुझे मिलता है a1 sin omega t plus a2 sin omega t cos phi plus a2 sin phi times cos omega t इसमें sin omega t और sin omega t के टर्म को कॉमन लेता हूं मैं तो बचता है a1 plus a2 cos phi times sin omega t plus a2 sin phi times cos omega t ये फिर से sin a plus b का फॉर्मूला बन सकता है provided मैं वो ट्रिक लगाऊं सिंपल से ट्रिक्स जो तुम में से हर एक बच्चे को आने चाहिए लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो a1 plus a2 cos phi है ये बराबर है a cos theta दो अननोन हमने इंट्रोड्यूस कर दिए एक तो a और एक theta कैपिटल a एंड theta दूसरा हम अज्यूम कर लेते हैं a2 sin phi कैपिटल a sin theta ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन होता है ऐसे कैसे मान लोगे मान सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है नए अननोन हमने डाले यहां पे अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से जैसे ऐसा मानते हैं ये कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन
So y equal to a cos theta sin omega t plus a sin theta cos omega t. वापस से फॉर्मूला बन गया sin a plus b का, a is common, sin omega t plus theta. तो resultant जो displacement होगा उसका amplitude हम यहां से निकाल सकते हैं a, और theta unknown हमने introduce किया उसकी value भी निकाल के लिख सकते हैं. Thus resultant displacement can be obtained by equation 1 ka square karke 2 ke square mein jod do. So tumhe milta hai capital A square, beech ke steps kha jo ya puri likhne, puri likho a1 square plus a2 square cos square 5 plus 2 a1 a2 cos 5 plus a2 square sin square 5. फिर से a2 square common, sin square 5 plus cos square 5 1. तो a square equal to a1 square plus a2 square. वेक्टर जैसा रिलेशन आ गया 2 a1 a2 cos 5. 11th क्लास में तुमने पढ़ा था इंटेंसिटी को लेकर कि इंटेंसिटी जो होती है वेव की उसका ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है 2 पाई n स्क्वायर a स्क्वायर rho v. ये सब कांस्टेंट है गिवन वेव के लिए, तो सिर्फ अकेला एक फैक्टर बचता है a स्क्वायर. तो इंटेंसिटी को मैं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मान के यहां पर वो कांस्टेंट दोनों साइड कट जाएगा और इन सब की जगह इंटेंसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा s इंटेंसिटी i प्रोपोर्शनल a स्क्वायर. सो ये रिलेशन मॉडिफाई हो जाते हैं, इस a स्क्वायर की जगह आ जाएगा i, a1 स्क्वायर की जगह i1 plus i2 plus twice of under root of i1 i2. cos 5 गलती से बच्चे इसके अंदर लिख देते हैं रूट के अंदर, तो उस गलती से बचने के लिए तुम 5 में जो डंडा है बड़ा बना दो, जिससे दिमाग इस बात को याद रखता है कि ये कट नहीं रहा था, यानी 5 बाहर आए, cos 5 आउटसाइड अंडर रूट के अंदर नहीं आए. ये बहुत काम का फॉर्मूला है, इससे वो फॉर्मूला भी आ जाएगा cos square 5 by 2 वाला i1 equal to i2 equal to i0 रखने पर. इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, उससे पहले थीटा भी निकाल देते हैं. आल्सो इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा tan थीटा, जिसको मैं tan इनवर्स करके लिख सकता हूं a2 sin 5 अपॉन a1 plus a2 cos 5. आगे इसका कोई यूज नहीं, पर क्योंकि हमने अननोन इंट्रोड्यूस किया था उसको निकाल के यहां पे लिखना है. इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन भी निकालनी है, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा. पर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक लाइन खींचो, लाइन खींच कर क्वेश्चन लिखो. कंपेयर अभी नहीं किया नहीं किया तो अपने आप भी कर सकते हो. इलाम में किया था तुमने बहुत दिनों का सर. कंपेयर द इंटेंसिटीज in interference pattern, compare the intensities in interference pattern at points P, Q and R, at points P, Q and R, where two
waves of same frequency, where two waves of same frequency obtain from coherent sources, two waves of same frequency obtained from coherent sources meet, milti hai, meet with path difference (3λ/2), comma phase difference (2π/3), and time difference (3t/2), respectively. Time difference 3t/2 respectively. तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि जब p पर मिल रही हैं वो तो इतना पार्ट डिफरेंस है, जब q पर मिल रही हैं तो तुम्हें फेज डिफरेंस दिया हुआ है पार्ट डिफरेंस देने के बजाय, और जब r पर मिल रही हैं तो टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। तो दो कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन किया गया, एक तो यूज ऑफ दिस फार्मूला और दूसरा तुम्हें इंटर कन्वर्जन आते हैं कि नहीं आते। तो कन्वर्ट करने के लिए तुम्हारे पास लॉजिक वही है जो कल सीखा था तुमने लेक्चर में। अगर ये एक वेव है, लैम्डा पार्ट डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू 2π फेज डिफरेंस करस्पॉन्ड्स टू टी टाइम डिफरेंस। इस फॉर्मूले में रखने के लिए तुम्हें फेज डिफरेंस चाहिए, पाई फेज डिफरेंस। तो अगर पार्ट डिफरेंस 3λ/2 है तो उसका फेज कितना बनेगा? अगर लैम्डा होता तो 2π, तो 3/2 मल्टीप्लाई होगा 3π। 3π फेज डिफरेंस, दूसरे का फेज डिफरेंस ऑलरेडी दिया है। अगर टाइम टी होता तो 2π, 3/2 है तो अगेन 3π। साथ में क्वेश्चन में भी लिख दो, गिवन I1 = I2 = I0, इंटेंसिटी सेम, गिवन I1 = I2 = I0, इंटेंसिटी डिफरेंट हो तो भी निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो इंटेंसिटी डिफरेंट हो, क्योंकि फॉर्मूला यह है सेम हमारे पास। तो रेशियो का मतलब होता है, कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो। तो IP = IQ = IR, फर्स्ट केस में I0 + I0 + 2I0 cos 3π = -1, तो ये -2 हो गया और यहां 2 आ गया, 2I0 और -2I0 क्या बना? 0। ये 0 है तो लास्ट वाला भी 0, तो बीच वाला 2π/3 तुम्हें पता होना चाहिए कितना एंगल, 120, cos 120 -1/2 90+30, तो माइनस हाफ, यहां पे -I0 हो जाएगा इसकी वजह से, और ये I0 प्लस है, 2I0 -I0 इज I0, ये रेशियो है। तो लॉजिकली तुम्हें क्लियर होना चाहिए। वापस से एक लाइन खींच दो, ये इसकी एप्लीकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, डेटा ये नहीं होता, डेटा ऐसा होता है जिससे जीरो नहीं आता, ठीक है। वापस लौटते हैं, मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन निकालें, सब एडिंग कंडीशन फॉर, यानी एनालिटिकल ट्रीटमेंट जारी है, चल रहा है अभी। कंडीशन फॉर डैश फर्स्ट मैक्सिमम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज। फॉर I = I max हम चाहते हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, होता होगी जब cos phi होगा 1, cos phi के 1 होने का मतलब है phi होगा या तो 0, 2π, 4π इन जनरल, 2nπ जहां पर n है होल नंबर 0, 1, 2, 3, एंड कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस पांच डिफरेंस को डेल्टा x से दिखाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू 0 लैम्डा 2λ इन जनरल
एन लैम्डा. सो आई मैक्स कितना हो जाएगा, कॉस फाई अगर वन हो गया तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर, दिस विल बी आई मैक्स. मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड मिनिमम, मैक्सिमम की कंडीशन आ गई, मिनिमम. सिमेट्रिक चलेगा फॉर आई इक्वल टू आई मिन, ये मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, कॉस पे हो जाएगा माइनस वन, दैट इज पाई इक्वल टू पाई थ्री पाई 5 pi in general, 2n plus 1 times pi, जहां पर n क्या है, whole number, 0 से start होगा, and corresponding part difference होगा, pi के corresponding lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, in general, 2n plus 1 times lambda by 2, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, n plus half lambda. देखिए एनसीईआरटी में n प्लस हाफ लैम्डा करके लिखा हुआ. सो आई मिनिमम जब कॉस पाई माइनस वन हो जाता है तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर. एनालिटिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया. दो नंबर में एक क्वेश्चन तुमको दिया जाता है, तुमसे बोलते हैं प्रूव करो इंटरफेरेंस में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है. तो तुम्हें से किसी के पास आइडिया है, रेज योर हैंड. क्वेश्चन वैसा ही है जैसा तुमने ईएमआई में किया था लेंज लॉ पढ़ने के बाद. शो दैट लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो यहां पर बोल रहे हैं क्योंकि तुमने शुरू में बोला फिनोमेना क्या है, इसमें क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है खाली. तो प्रूव करो, कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन लिखो दो नंबर. प्रूव दैट इन इंटरफेरेंस एनर्जी रिमेन कंजर्व. प्रूव दैट इन इंटरफेरेंस एनर्जी रिमेन कंजर्व. कौन बताएगा, हाथ उठाकर. हमें पता है हम वेव नेचर स्टडी कर रहे हैं. इंटरफेरेंस का फेनोमेना पार्टिकल नेचर मान के नहीं समझा जा सकता, इसको किससे समझा जा सकता है, वेव नेचर से. और वेव की एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जो भी फॉर्मूला लिखा था इंटेंसिटी के साथ, एनर्जी ऑफ ए वेव इज एसोसिएटेड विद इंटेंसिटी. तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस फिनोमेना में एवरेज इंटेंसिटी सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के बराबर है तो प्रूव हो जाएगा एनर्जी रिमेन कंजर्व. यानी बाद में इंटरफेरेंस होने के बाद जो एनर्जी इंटेंसिटी मिल रही है, एवरेज मिल रही है, वो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के सम के बराबर. तो इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करेंगे, लैंग्वेज लिखोगे इन इंटरफेरेंस वेव नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन. वेव नेचर ऑफ लाइट इज शोन. वेव नेचर ऑफ लाइट इज शोन एंड एनर्जी ऑफ ए वेव इज एसोसिएटेड विद इट्स इंटेंसिटी. एनर्जी ऑफ ए वेव इज एसोसिएटेड विद इट्स इंटेंसिटी. नेक्स्ट लाइन, इन इंटरफेरेंस एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन, इन इंटरफेरेंस एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्स प्लस आई मिन डिवाइडेड बाय टू.
अभी अभी तुमने दोनों एक्सप्रेशन निकाले आई मैक्स आई मिन पहले रख दो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर दोनों को जोड़ा डिवाइडेड बाय टू ओपन करके कैलकुलेट करते हैं क्या मिलेगा आई वन प्लस आई टू विच इज सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज हैंस प्रूव इससे प्रूव होता है एनर्जी कंजर्व है छोटा सा डेरिवेशन दो नंबर इसके बाद हमको फुल डिटेल में वाई डी एस ई को समझना है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के इंटरफेरेंस को सबसे पहले यंग ने सन 1801 में डेमोन्स्ट्रेट किया ऐसा क्यों कर पाया वो उसके दिमाग में विचार कहां से आया क्योंकि उस समय टीवी नहीं हुआ करता था तो सोचने का समय मिलता था और लोगों के दिमाग सही चला करते थे उन्होंने कई आविष्कार किए नई नई खोज की अभी भी जो लोग टीवी नहीं देखते हैं लिमिटेड देखते हैं उनका दिमाग सही चलता है और वो नई नई खोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले हम क्लास में बात कर रहे थे सोलर सेल को लेकर कि सोलर सेल में एक लिमिटेशन है कि वो रात के समय एनर्जी नहीं दे सकता जब सन नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो स्टोरेज के लिए बैटरी यूज करनी पड़ेगी और बैटरी में रीअकरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती तो एक ऐसे व्यक्ति ने जो टीवी लिमिटेड देखता था या कम देखता था या नहीं देखता था उसने इसका सॉल्यूशन 3 दिन पहले अखबार में छपाया उसने इसका सॉल्यूशन बना लिया और उसको पेटेंट करा लिया अब उस पर वर्क चल रहा है बहुत बड़े लेवल पर एक पूरे गांव के स्तर पर पावर प्लांट डिजाइन हो रहा है सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है किसी के भी दिमाग में आ सकता है इजीली अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करे सोचे तो वो सॉल्यूशन क्या है मैं शेयर कर रहा हूं तुम सोच के देखो तुम्हारे दिमाग में आ सकता था कि नहीं आ सकता था उसने बताया कि दो टंकियां बनाई जाए अलोंग विद द सोलर पैनल बैटरी की कोई जरूरत नहीं है एक टंकी ओवरहेड टैंक थोड़ा ऊंचाई पर होनी चाहिए एटलीस्ट 4-5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग हो उसके छत पे लगा दो जो उसका साइज रहेगा उससे आधे साइज की टंकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक दो टंकियां बना दी अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी भर दिया सोलर पैनल लगा दिया अंडरग्राउंड वाटर टैंक से एक मोटर जो है सोलर एनर्जी लेकर पानी को पंप करेगी ओवरहेड वाटर टैंक में ओवरहेड वाटर टैंक से वो पानी वापस नीचे आएगा आधी रेट पर जिस रेट से ये मोटर पंप करेगी वाल्व से कंट्रोल करेंगे उससे आधी रेट पर वो वापस नीचे आएगा और नीचे आने के दौरान वो एक टरबाइन को घुमाएगा वाटर व्हील को उस वाटर व्हील से बिजली पैदा होगी तो दिन भर सोलर सेल काम कर रहे हैं प्लस वाटर व्हील भी काम कर रहे हैं पर जिस रेट से टंकी भरी जा रही है उससे आधे रेट पर खाली हो रही है तो रात के वक्त भी टंकी में पानी बचा है रात के वक्त सोलर सेल तो काम नहीं करेगा पर वो भरा हुआ पानी अब भी टरबाइन को घुमाएगा तो एक लिमिटेड अमाउंट में बिजली हमको मिलेगी और इसके लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं है स्टोर करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन तो जब तक आइडिया हमारे पास नहीं होता तब तक प्रॉब्लम है आइडिया जनरेट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसका सॉल्यूशन सामने होता है फॉर एग्जांपल रिसेंटली आईएल कॉलोनी में जो भैंसे घुस जाती थी वो प्रॉब्लम थी और इसी तरह से अनकंट्रोल्ड व्हीकल लेकर तेज मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चे घुस जाते थे आईएल कॉलोनी में गेट से इधर उधर बदमाशी करते हुए निकलते थे अब उन्होंने क्या किया उधर वाले दोनों गेट पर बीच में एक पोल लगा दिया गेट के yes, sir. तो ना तो भैंस घुस पाएगी अब इस गेट पे भी लग जाएगा भैंस भी नहीं घुस पाएगी और कोई तेज मोटरसाइकिल चलाने वाला वो भी उन गेट से
नहीं गुजर सकता, सिर्फ एक गेट रह जाएगा एंट्री का, बड़ा मेन गेट। अभी तक किसी के दिमाग में बात नहीं आई, फिर किसी के दिमाग में आई बात और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो सोचेंगे तभी जब दिमाग चलेगा, तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है। तो यंग ने भी घंटों बिताए सोचने में। उसके घर के पास एक नहर बहती थी, घंटों नहर के किनारे जाकर बैठा रहता था, उसमें कंकड़ पत्थर फेंकता था और जो वेव फ्रंट बनते थे उनको मिलते हुए देखता था। डंडी लेकर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी बनाता था और उनको मर्ज होते हुए देखता था कि क्रेस्ट और क्रेस्ट जहां मिल रहे हैं वहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जहां क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं वहां प्लेन हो गया, जहां ट्रफ और ट्रफ मिल रहे हैं वहां पे गड्ढा बन गया। उस समय साइंटिस्ट में बहस चल रही थी वैज्ञानिकों में कि लाइट का नेचर वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो यंग ने सोचा कि अगर लाइट में वेव नेचर है तो लाइट का बिहेवियर पानी में चलने वाली वेव्स है इसके जैसा ही होना चाहिए। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट सेट किया। एक्सपेरिमेंट सेट करके उसने YDS यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू लाइट की वेवलेंथ को नाप दिया। लाइट की वेवलेंथ को नापते प्रूव हो गया वेव नेचर है, बिकॉज़ वेवलेंथ उसी की नापी जा सकती है जो वेव होगी। ठीक है, तो वही एक्सपेरिमेंट हमको डिटेल में स्टडी करना है। सो एड इट YDSE, तुम लगा चुके हो शायद, इसमें लिखोगे हेडिंग YDSE लगाकर। यंग, थॉमस यंग पूरा नाम था, यंग डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यंग डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन 1801। सन याद करना जरूरी नहीं है। इन 1801 यूजिंग डबल स्लिट अरेंजमेंट, using double slit arrangement as shown, dash बना दोगे, एक diagram तुमको बनाना है। यंग ने उसके समय में पिन होल्स और सनलाइट का इस्तेमाल किया था और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑप्टेन करने के लिए उसने उस समय सिंपल सॉल्यूशन निकाला था, कलर्ड फिल्टर या बोले सेलोफेन शीट, बोले लाल पन्नी, नीली पन्नी, हरी पन्नी, जैसे हम बल्ब पे लगा देते हैं रोशनी करने के लिए अलग अलग रंग की पन्नी लगा देती। अब मान लो लाल पन्नी लगा दी तो लाल रंग की रोशनी निकलेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगी, कलर इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी, तो मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी, लाइक सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ। तो ये उसने यूज किया था। आज जब हम वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो पहली बात तो हमने मॉडिफिकेशन कर दिया, हम पिन होल्स यूज नहीं करते या होल्स यूज, सर्कुलर होल्स यूज नहीं करते, हम रेक्टेंगुलर स्लिट यूज करते हैं। और मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑप्टेन करने के लिए हम सोडियम लैंप, जो करेक्टरिस्टिक येलो कलर की लाइट देता है अप्रोक्सीमेटली 550 नैनोमीटर, वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेजेंट सेटअप है वो मैं बना रहा हूं, ये सोर्स स्लिट, इससे कुछ दूरी पर डबल स्लिट वेव फ्रंट को डिवाइड करने के लिए साथ साथ बनाते चलो, कुछ दूरी पर स्क्रीन पैटर्न को देखने के लिए। ये सेटअप वर्टिकल नहीं है, बोर्ड पे वर्टिकल बनाना पड़ रहा है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, यानी यहां एक स्लिट, यहां एक रेक्टेंगुलर स्लिट, सामने स्क्रीन, ये है S1 एंड S2। सोच समझ के बताओ कि जो मैं वेव फ्रंट बना रहा हूं, जो S से निकल रहा है क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, ये वेव फ्रंट किस टाइप का है, जो तुमने तीन टाइप पढ़े हैं? सोचा तो नहीं तुमने, डायरेक्ट बता दिया बिना सोचे, प्लेन का है, अब कोई तो बचेगा, ये सिलेंड्रिकल है जो तुम बोल नहीं रहे हो, मैंने बोला रेक्टेंगुलर स्लिट सर दिया, स्लिट कैसी है? रेक्टेंगुलर, इससे निकलेगा सिलेंडर, तुम देख रहे हो साइड से, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? स्फेरिकल। Actually it is cylindrical wavefront, जिसमें फायदा क्या हो रहा है? Intensity is inversely proportional to R, तो हमें intensity दूर तक बनी हुई मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी intensity। Circular slit होती, spherical wavefront होता, तो I proportional 1/R² intensity तेजी से decrease हो जाती। So this is cylindrical wavefront, जिसको तुम side से देख रहे हो। जब ये इन पे टकराता है, तो division होता है wavefront का, एक source से दो coherent source बनते हैं,
और इसमें तुम सिमेट्री मेंटेन करते हुए थोड़ा सा ध्यान रख के डायग्राम बनाओगे रेशियो प्रोपोर्शन में। तीन पॉइंट मार्क कर दिए मैंने, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, देन ट्रफ, ट्रफ, फिर क्रेस्ट, क्रेस्ट एंड सो ऑन, जितने भी तुम्हारी श्रद्धा हो आगे तक बना सकते हो। जहां पर क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे हैं वहां फिल्ड डॉट, ट्रफ ट्रफ मिल रहे हैं वहां फिल्ड डॉट, ये सारे एक लाइन पर आएंगे। इस लाइन पर सारे या तो क्रेस्ट क्रेस्ट मिलेंगे या तो ट्रफ ट्रफ। हम जानते हैं इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिलेगा। तो इनकी कोरिस्पोंडिंग यहां स्क्रीन के सेंटर पर हमें मिलती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जस्ट पास में अगर तुम देखो तो क्रेस्ट ट्रफ से मिल रहा है वहां सर्कल से बना देते हैं। इस पूरी लाइन पर क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा और इसके कोरिस्पोंडिंग हमको मिलेगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के जस्ट पास में फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। इसी तरह से नीचे ये सर्कल्स और इसके कोरिस्पोंडिंग हमको मिलेगी नीचे भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। उसके बाद फिर तुम देखोगे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ आएंगे उस लाइन पे और उसके कोरिस्पोंडिंग हमको मिलेगी सीक्वेंस में फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। यहां तुम्हें सीखना होगा कि फर्स्ट डार्क पहले आएगी, फर्स्ट ब्राइट बाद में आएगी सीक्वेंस में। कई क्वेश्चन में तुम्हें घुमाया जाता है, तुमसे पूछते हैं बताओ सेकेंड डार्क और फिफ्थ ब्राइट के बीच का गैप कितना है, कितने डिस्टेंस पर। तो उसके लिए तुम्हें क्लियर होना चाहिए फर्स्ट डार्क आएगी फिर फर्स्ट ब्राइट आएगी फिर सेकेंड डार्क आएगी फिर सेकेंड ब्राइट आएगी फिर थर्ड डार्क फिर थर्ड ब्राइट एंड सो ऑन। फिर तुम गैप निकालोगे, मैं सिखाऊंगा। फ्रिंजेस कैसी होती हैं? तो जवाब है हाइपरबोलिक होती है। पर जब कंपटीशन की क्लास में तुम्हें सिखाया जाता है अलग अलग जगह से देखने पर ये सर्कुलर भी नजर आ सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी नजर आ सकती है, लीनियर भी नजर आ सकती है, डिपेंड करता है किस एंगल से तुम उसको देखो। होती है हाइपरबोलिक, क्यों होती है उस लॉजिक को भी समझेंगे। इस सेटअप में यंग ने अलग अलग वेरिएशंस लगाए और उन वेरिएशंस को स्टडी किया। जब तुम सॉल्व एग्जांपल करोगे एनसीईआरटी में 10.1 जो है वो तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। राजस्थान बोर्ड वालों को करना है खाली, बाकी बोर्ड वालों को नहीं करना। 10.2 उसमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, उसको पढ़ के समझना। 10.3 उसको भी समझना और 10.4 स्पेशली तुम्हें कल की क्लास में जब आना है तो उसको पढ़ के आना एक बार। 10.4 में ए बी सी डी ई अलग अलग पार्ट्स हैं, इसका हर पार्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लस इसमें कुछ ऐसी डिटेल भी है जो तुमने मेन क्लास में कभी पढ़ी नहीं। यहां से यहां तक का जो गैप है एस और इन दोनों के बीच का, उसमें प्लस इस स्लाइड का जो साइज है ओपनिंग उसमें उसको लेकर रिलेशन है, तो वो तुमने मेन क्लास में भी नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ एनसीईआरटी में एक पार्ट में उसमें 10.4 में, तो हमको ध्यान से समझना है। हालांकि ये डिस्टेंस तुम मार्क कर सकते हो कैपिटल डी एंड इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 मीटर एंड S1 S2 इसको तुम मार्क कर सकते हो स्मॉल डी एंड इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर। एनसीईआरटी में पीछे कुछ क्वेश्चन में डेटा गायब है जिसमें छोटा डी बड़ा डी नहीं दिया हुआ है, वहां पर तुम डायरेक्टली कैपिटल डी को 1 मीटर स्मॉल डी को 1 मिलीमीटर लेकर अगर कैलकुलेशन करते हो रिजल्ट आ जाएगा। यंग ने क्या किया, एक स्लिट के आगे लाल पन्नी एक के आगे हरी लगा दी, उसने देखा इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो, यानी सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। उसने एक स्लिट को ढक दिया बंद कर दिया, इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपीयर हो गया, मतलब दो सोर्स थी। उसने इन स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस को इतना बढ़ा दिया कि ओवरलैपिंग नहीं हुई,
तो भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, स्मॉल डी को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देंगे। उसने पर्दे की दूरी को बढ़ाया कैपिटल डी को, तो उसने देखा फ्रिंज की विड्थ बढ़ गई, फ्रिंजेस वाइड हो गए, पैटर्न फैल गया। ठीक वैसे जैसे टॉर्च से रोशनी डालने दीवार पर एक गोल दायरा मिलता है, जितना दूर ले जाओगे टॉर्च को बड़ा होता जाएगा। अगर हम SS1 SS2 के बीच की डिस्टेंस, मतलब SS1 को SS2 के बराबर नहीं रखते, सिमेट्रिकल नहीं रखते, इसको ऊपर नीचे खिसका देते हैं, तो अकॉर्डिंगली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी शिफ्ट हो जाती है। तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि यहां से एक धागा जा रहा है जो S1 से होकर यहां पहुंच रहा है, यहां से एक और धागा जा रहा है जो S2 से होकर यहां पहुंच रहा है, दोनों धागों की लंबाई बराबर होनी चाहिए। इक्वल पार्ट ट्रेवल करके जो सेकेंडरी वेवलेट्स यहां पहुंचेंगी उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो अगर इसमें कोई चेंज आता है, कोई पाथ तुमने बड़ा कर दिया, तो उधर वो पाथ छोटा हो जाएगा, उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर रास्ते में एक स्लिट से जाने वाली लाइट के रास्ते में ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो ग्लास स्लैब जो है वो स्लो कर देती है उस लाइट को, तो पूरा पैटर्न उसी साइड में शिफ्ट हो जाता है। इस पूरे सेटअप को पानी में डुबो दिया जाए, तो पानी में डुबोने पर पानी का म्यू ज्यादा होने से लैम्डा कम हो जाता है। कॉची फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, म्यू और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन। लैम्डा कम होने से फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालेंगे, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है, पैटर्न श्रिंक हो जाता है। अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय कलर्ड लाइट, डायरेक्ट सनलाइट यूज कर ले, व्हाइट लाइट, सॉरी कलर्ड नहीं व्हाइट लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, व्हाइट लाइट यूज कर ले, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो व्हाइट एंड ब्राइट मिलती है, क्योंकि वहां सभी कलर्स जीरो पार्ट डिफरेंस के साथ इंटरफेयर करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होता है, सारे प्रेजेंट होके वापस व्हाइट बना लेते हैं, पर नियर बाय फ्रिंजेस कलर्ड होती है। अब जब तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें लैंग्वेज लिखी हुई मिलेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉलोड बाय कलर्ड फ्रिंजेस हैविंग इनर एज रेड एंड आउटर एज वायलेट। इनर एज मतलब अंदर वाला किनारा, सेंट्रल ब्राइट के फ्रिंज की तरफ वाला किनारा, आउटर एज मतलब दूर वाला किनारा। जब तुम एस सी वर्मा में पढ़ोगे तो वहां लिखा मिलेगा इनर एज वायलेट आउटर एज रेड, पर दोनों ही सही है। एक्चुअल में एस सी वर्मा में इसकी पोजिशन की बात की है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजिशन पर जो फ्रिंज मिलेगी उसका इनर एज वायलेट होगा, आउटर एज रेड होगा, क्योंकि हमें वायलेट पे एंड होगा, वायलेट से उसकी स्टार्टिंग होगी। और एनसीईआरटी में इसकी बात की जस्ट नियर बाय फ्रिंज की जो डार्क आ रही, पर उन्होंने दोनों ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में तुम्हें जो लिखना है, डार्क और ब्राइट मिलती नहीं, बाकी सब कलरफुल मिलती हैं, सेंट्रल ब्राइट के अलावा बाकी सब कलरफुल मिलती हैं, वो कलर्ड फ्रिंजेस हैं। तो तुम्हें एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज ही लिखनी है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज व्हाइट एंड ब्राइट फॉलोड बाय फ्यू, कुछ ही दिखती है उसके बाद दिखना बंद हो जाता है, फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस हैविंग इनर एज रेड आउटर एज वायलेट, अंदर का किनारा लाल बाहर का किनारा बैंगनी। तो ये सब तुम्हें सॉल्ड एग्जांपल में मिल जाएगा, मैंने जो ओरली डिस्कस किया ये सब वेरिएशन उसने लगाए। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट आर्टिकल, 3 नंबर में 5 नंबर में भी आता है न्यूमेरिकल अटैच होकर, थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, हेडिंग इज थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस। अगर तुमसे बोला जाए फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो तुम्हें ये वाला डेरिवेशन करना है। तुमसे बोला जाए शो दैट इन इंटरफेरेंस ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ये डेरिवेशन करना है। तुमसे बोला जाए शो दैट ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ या इंडिविजुअली डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, यही डेरिवेशन करना है। तो कई तरह से इसको पूछा जा सकता है, तो थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस के नाम से इसको हम कर रहे हैं। इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, तुमने ऑलरेडी मेन क्लास में भी इसको किया होगा, अगर वो मेथड तुमको क्लियर है आसान लगता है तो तुम उस मेथड से एग्जाम में डिराइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एनसीईआरटी वाला मेथड डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां पर, अगर तुमको ये आसान लगता है तो तुम इसको अडॉप्ट कर सकते हो, कोई सा भी वहां पे डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसमें तुम्हें दिखानी है डबल स्लिट, सीधे सोर्स स्लिट नहीं दिखा रहे, S1 S2 इसके सामने स्क्रीन बना दो, S1 S2 का सेंटर पॉइंट मार्क करो O डैश,
इसके ठीक सामने O dash के ठीक सामने स्ट्रेट लाइन खींच के पॉइंट मार्क करो O, ऐसे S1 के सामने वाले पॉइंट को मार्क करो A, S2 के सामने वाले पॉइंट को B. This distance S1 S2 is small d. और प्लेन ऑफ डबल स्लिट से स्क्रीन की दूरी कैपिटल डी जो मीटर के ऑर्डर की. अभी रिसेंटली सैंपल पेपर जो इशू है उसमें क्वेश्चन आया इस पे, और उस क्वेश्चन में तुम्हें स्पेशल सिचुएशन दी है इमेजिन करने को. तुमसे बोलते हैं ये कैपिटल डी, अमूमन तो क्या है कैपिटल डी मीटर के ऑर्डर का और ये मिलीमीटर के. तुमसे बोलते हैं मान लो कैपिटल डी हाफ ऑफ स्मॉल डी के बराबर है, बहुत कम है, बिल्कुल सटा के रख दी जैसे स्लिट इसको प्लेन को सॉरी स्क्रीन को बिल्कुल इसे सटा के रख. तो फिर कंडीशन पूछा फिर बताओ फ्रिंज विड्थ कितनी होगा, तो तुम उसमें कंडीशन रख सकते हो निकाल सकते हो. हमें पूरा डेरिवेशन जो करना है वो हाइगन प्रिंसिपल यूज करके करना है. तुमसे बोलते हैं यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल एक्सप्लेन. तो हाइगन प्रिंसिपल यूज करने का मतलब जो यहां पर है वो सीधा सीधा सा है. हंस सकते हो हंसने पर रोक नहीं, इट्स ओके. उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बस हंसना अच्छी बात है. वेरी गुड. अब नकली नहीं असली में हंसी आए तो हाइगन प्रिंसिपल यूज करने का मतलब मैं सारी टर्मिनोलॉजी हाइगन वाली यूज करूंगा. वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो S1 से और S2 से वो तक पहुंचेंगी वो इक्वल पार्ट ट्रेवल करके पहुंचेंगी, तो उनके बीच पार्ट डिफरेंस जीरो होने से फेज डिफरेंस भी जीरो होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो O पर हमेशा आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो O का तो तय हो गया, पर कोई एक जनरल पॉइंट आप कंसिडर करेंगे ऊपर या फिर नीचे. सपोज वो है कोई पॉइंट P जिसकी डिस्टेंस सेंटर O से y भी मान सकते हो x भी मान सकते हो, इट इज अप टू यू. मान लो y है, तुम्हें हमेशा ये ध्यान में रखना है दिमाग में रखना है ये सेटअप वर्टिकल नहीं है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सेटअप. तो हम उस डिस्टेंस को x भी मान सकते हैं. तो बची हुई डिस्टेंस ये तुम्हें पता है कितनी हो जाएगी d by 2. जो सेकेंडरी वेवलेट्स S1 से P तक पहुंचेंगी और S2 से P तक पहुंचेंगी इनको इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए दो एरो लगाकर दिखा देंगे इन रेज को. P पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि S2P माइनस S1P जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा. क्लियर? तो बाकी बैचेस में इतना ही बताया है तो इसको मैं यहां एंड करता हूं. एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो ईएमआई से रिलेटेड मुझे याद आ रहा है, सॉल्ड एग्जांपल है वैसे तो एनसीईआरटी में, पर तुम्हें वो क्लियर होना चाहिए. तुमसे पूछते हैं मेटल डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है. वो मेटल डिटेक्टर जो दरवाजा कई बार यहां पे रख देते हैं उठाकर, जिसके अंदर से होकर तुम्हें गुजरना होता है, या वो मेटल डिटेक्टर जिससे शॉपिंग मॉल में चेक करते तुमको. तो उसका जवाब है ये काम करता है एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट. इट इज बेस्ड ऑन एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट. कैसे? वो मेटल डिटेक्टर में एक कॉइल लगी हुई है, ठीक है, उसके साथ एक कैपेसिटर भी है, एक रेजिस्टेंस भी, पूरा एलसीआर सर्किट है, उसकी सर्टेन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. हम दो तरह से उसको यूज कर सकते हैं. मान लो वो अभी रेजोनेंस की कंडीशन में है, अगर वो रेजोनेंस की कंडीशन से जरा भी ऑफ होता है, ऑफ रेजोनेंस जाता है, तो हम सर्किट ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि उसके साथ एक हूटर, हूटर यानी तेज आवाज करने वाला सायरन, तो हूटर एसोसिएट कर दिया, वो हूटर साउंड प्रोड्यूस कर देगा. तो मान लो कोई मेटल, काफी मात्रा में मेटल या कोई पर्टिकुलर मेटल लेकर उसमें से गुजरा, तो वो जो कॉइल है उसकी कोर का मटेरियल चेंज हो गया, डायमैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, उससे म्यू जीरो हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू म्यू आर. जैसे ही इंपैक्ट आएगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, एल चेंज होने से वो जो सर्किट है या तो ऑफ रेजोनेंस चले जाएगा, अगर हम रेजोनेंस में यूज कर रहे थे, ऑफ रेजोनेंस जैसे जाएगा आउटर साउंड प्रोड्यूस कर देगा.
तो मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा कि यहां कुछ मेटल वहां से निकला है. ठीक है, जाना चाहते हो? ओके. कल सोच कर आना, परसों पूछूंगा 31st को इस टाइम पे तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है. सो सोच कर आना.